हेलो नमस्कार। आज मैं मोरधन के बड़े बनाने जा रही हूँ, तो वो बताती हूँ आप लोगों को कि बड़े कैसे बनाते। एक कटोरी मैंने मोरधन के चावल लाए हैं। ये चावल उपास में भी चलते हैं और ये बाज़ार में भी मिलते हैं चावल। अब मैं एक बड़ा बर्तन लेती हूँ तो मोरधन के चावल डाल लेती हूँ। अब मैं ये चावल को धो के बताती हूँ। मैं चावल को छान के मैंने अलग कर लिया है और पानी अलग हो गया है। आप देख सकते हैं जो गंदा पानी अलग हो गया है। जिस चावल को मैं मिक्सर के जार में डाल के अच्छा पीस लेती हूँ बारीक। मैं खटियाई के लिए दही डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसको चावल को पीस के बताती हूँ। मेरे जो चावल पिस गए हैं आप देख सकते हैं। देखो अब चावल का कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अब मैं कढ़ाई में ये पिसा हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसमें मैं पानी और डाल लेती हूँ। थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च डालना है। एक चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरा। दो कटी हुई बारीक मिर्ची डालना है। थोड़ी सी मैं धनिया पत्ती डाल लेती हूँ। एक चम्मच सेंधा नमक डाल रही हूँ फरियाली वाला। ये सबको मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। इसको मध्य आंच पे गैस पे रख दिया है। इसको अपन टारते रहना है जब तक गाढ़ा नहीं हो जाए। देखो थोड़ा थोड़ा जो गाढ़ा होने लगा है। इसको अपन को अच्छा से गाढ़ा करना है जैसा अपना आटा होता है जैसा। देखो जो गाढ़ा होना चालू हो गया है। देखो जो मेरा अच्छा पक गया है और टाइट हो गया है। और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ 5 मिनट के लिए। अब मेरा जो पेस्ट ठंडा हो गया है। एक चम्मच में इसमें तेल डाल लेती हूँ और थोड़ा सा तेल मैं हाथ में ले लेती हूँ कि जो चिपके नहीं हाथ में। अब मैं इसके बड़े बना रही हूँ। अब मैं तेल ले लेती हूँ हाथ में। अब मैं इसकी लोइयाँ बनाती हूँ। इसको दबा के इसमें बीच में छेद करना है। ये तलने में कोई दिक्कत नहीं आए। मैं ये बन के रेडी हो गया है और सारे बड़े ऐसे ही बनाना है। बड़े बनके रेडी हो गए हैं। अब मैं तल के बताती हूँ। मेरा तेल गरम हो गया है। अब मैं बड़े इसमें एक एक करके डालती हूँ। इसको बड़े कम ही डालना है इसमें कि अच्छी तरह से ये तल जाएं। ये अपन ने कढ़ाई में डाल दिया है। इसको झरके से थोड़ी देर बाद इसको अपन को पलटना है और ये अंदर तक अच्छे अच्छे अपने सिक जाएंगे कढ़ाई में। इसको अपन को धीरे धीरे आराम से अपन को पलटना है और इसको अपन को मध्य आंच में सेकना है तो अंदर तक अच्छे सिक जाएंगे पानी बड़े। देखो मेरे कितने अच्छे पक गए हैं। ये बड़े मेरे देखो सिक गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं दूसरे भी डालती हूँ। ये सारे बड़े मैं सेक के और परोस के बताती हूँ। मेरे मोरधन के बड़े बनके रेडी हो गए हैं। मेरे बड़े कैसे लगे मुझे बताएं। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।